हाँ तो द्रौपदी कहो कन्हैया, ये ब्याह शादी के मौके पर तुमने क्या वेशभूषा बना ली? अरे खुले केस नैनों में ज्वाला, मुख में मुख से लंबी जीभ, हाथ में खप्पर, ये तो बातन वाला वेश तो कोनी। और कौन सा वेश है ये? ना ना ना, बात लेने वाला वेश नहीं तेरा ये। मैं ऐसे ही बात लूंगी इसी वेश में। मैं ऐसे बात नहीं दूंगा। अगर ऐसे वेश में बात नहीं देना चाहता तो जा सकता है। मैं जाऊंगा भी नहीं। हाँ पूरा बेशरम है ना। लेकिन मैं कारण पूछना चाहूंगा कि ये वेश तुमने क्यों बनाया है? मेरा दिल कर रहा था इसलिए ये वेश बनाया। तेरा दिल करया और तूने ये वेश बना लिया। हाँ तेरा दिल यूं ना करया कि पांच पांडव ने छोड़ दूं। इनको छोड़ के कहां जाऊंगी मैं? अच्छा यो दिल ना करया ना। देख बावली बात ना करया करें, ये मोड़ हंसी मजाक का नहीं है, ये गिले शिकवे का मोड़ नहीं है। तू राजी हो मैं राजी हो के बात करूं तो राजी हो के बात पहन, और कोई चलो चुप बात मेरे से हो भी रही है तो घर में बैठ के सुलझा लिए, मैं तेरी सुन लूंगा तू मेरी सुन ले। ना तो मैं तुम्हारी सुनूंगी और ना ही तुम मेरी सुनोगे। तुम भात देने के लिए आए हो क्या? तुम्हें अपने बेटे मुन्नो की शादी की कोई खुशी नहीं है? नहीं है कोई खुशी। कोई खुशी नहीं है? ना तो मुझे अपने बेटे की शादी की कोई खुशी, और ना ही आज मुझे सास बनने की कोई खुशी, और ना ही आज मुझे इस बात की खुशी कि मेरा भाई द्वार पे बात देने आया। अच्छा। किसी बात की कोई खुशी नहीं है, ना ही तेरे हाथों से भात चाहिए, चला जाए यहाँ से। तुझे कोई खुशी नहीं है तो तुझे गम किस बात का है? गम? हाँ गम नहीं तो मार दिया मुझे। क्या कहना चाहती हो? सुन ले मेरी बात। सुनिए अपनी बात। हेरे पटड़े ऊपर पैर धरने रे, तू मत नंद लाल उठाइए। जाने रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से, अरे दर्शन हो जा दोनों के ये समय चैन का हो से, के भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से, अरे ना भाई का फर्ज बहन दे ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से, ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। अरे कृष्ण कहाँ निभाया था रे, रे 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 रे, तने कृष्ण कहाँ निभाया था, तू अपना फर्ज बन दिए। मैंने कहीं अपना फर्ज नहीं निभाया। नहीं निभाया? नहीं निभाया। जो एक भाई बहन के प्रति अपना फर्ज निभाता है वो तूने कहीं नहीं निभाया। भाई इसका इसकी इको कम करो, और पीछे बैकरो की आवाज कम करो, बहुत रिपीट कम कर रिपीट। मैंने अपने भाई वाला कोई फर्ज नहीं निभाया। नहीं निभाया? तू कह रही अपने मुख से? हाँ मैं कह रही हूँ अपने मुख से। सुन, तूने जहाँ बुलाया मैं दौड़ा चलाया, मैंने एक भाई का पूरा पूरा फर्ज निभाया। कहाँ निभाया मैं बता दूँ? बता। कह अपनी बात। तने कृष्ण कहाँ निभाया था, तू अपना फर्ज निभाइए। चीर द्रौपदी, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू बटे शान भुलैये, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू बटे शान भुलैये।
हेरे था कुन सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा। अरे कुन सा तने दिखे कुन सा तने कुन सा तने चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा। याद नहीं है तुझे ना? मैं याद दिलाती हूँ। दिला। मारिया था कौन दिखे मारिया था शिशुपाल हाथ में चक्कर लग गया तुम्हारा। अब जान गया अब जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। वो जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। तने वचन दिए एहसान बता रहा रे 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 रे। वचन दिए एहसान बता रहा तू चलियो यहाँ तो चाहिए जो मांगेगी दे दूंगा असल रूप में। जो मांगेगी दे दूंगा असल रूप में। पहले कैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। अरे ज्यादा कोने रे दिखे ज्यादा कोने ज्यादा कोने टाइम तू पूरे ओए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले। रगाटे में दक रगाटे में रह जागी बात की तू अच्छा करके डाल देख ले। घाटे में रह जागी बात की करके डाल देख ले। ना चाहिए धन माल देख ले रे 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 रे। ना चाहिए धन माल देख ले तू मत पाछे पछताइए। साफ साफ क्या दिक साफ साफ कह दे बहना जो भाग्यनों का चाहिए। तीन वचन तीन वचन भर दे छलिया ना तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती। अरे एक वचन दे के वचन पहले हैं दे दे क्यों मैंने एक वचन पहले हैं दे दे दिया ना छोटू बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन लिए क्यों खड़ी बात पे रोती। अरे तेरा मेरा दोष नहीं ये समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोष नहीं ये समय सराहनी होती। अब जरा कान खोल के सुन कि मुझे बात किस चीज का चाहिए। किस चीज का चाहिए सुन ले सुनाइए। अठारह क्षोणी दल का पियूं हे रे रे रे। अठारह क्षोणी दल का पियूं मने भैया खून पिलाइए। बस द्रौपदी बस अपने वचनों को वापस ले ले। नहीं होंगे मुझे नहीं पता था कि तू बात नहीं चाहती तू तो खून की प्यासी है। हाँ अठारह एक सोनी दल का खून चाहिए तुझे। हाँ अठारह एक सोनी दल की खून की कोई मामूली बात कही है तुमने। चाहे कोई मामूली हो या ना हो अरे इसमें तो प्रलय नहीं महाप्रलय हो जाएगी। इसमें तो नाश नहीं सर्वनाश हो जाएगा। कुछ भी हो अठारह क्षोणी दल का खून चाहिए बात में।
दे सकता है तो रुक, तेरा आदर सत्कार करती हूँ, तेरा आरता करती हूँ, और अगर 18 क्षोणी दल का खून नहीं दे सकता तो जा यहाँ से। ठीक है, तुझे 18 क्षोणी दल का खून पिलाऊंगा। सजनों, 18 क्षोणी दल कोई मामूली बात नहीं थी। महाभारत में दो दल थे, कौरव दल और पांडव दल। 11 क्षोणी दल में कौरव और कौरवों की सेना आती थी, और 7 क्षोणी दल में पांडव और पांडवों की सेना आती थी, और भगवान कन्हैया भी 7 क्षोणी दल में शामिल थे। कौरव पांडवों को मिला करके, कौरव पांडवों की सेना को मिला करके, कौरव पांडवों की सेना के जितने भी जीव जानवर थे सबको मिला करके, और भगवान कन्हैया को मिला करके 18 क्षोणी दल का खून था। द्रौपदी ने 3 वचन बरवा करके बात में कन्हैया से मांग लिया, लेकिन कन्हैया तो जानते थे कि द्रौपदी क्या मांगेगी। कन्हैया 3 वचनों में बंध गए, लेकिन फरौती का 1 वचन पहले द्रौपदी से बरवा लिया था कि फरौती मैं भी लूंगा, और वो भी 1 वचन बरवा करके लूंगा। इतनी छूट कर दी कि पहले मांग द्रौपदी तेरी होगी और बाद में मांग मेरी होगी। द्रौपदी ने मांग लिया 18 अक्षौणी दल का खून। द्रौपदी, तुझे 18 अक्षौणी दल का खून मिलेगा, लेकिन मैं भी अपनी फरौती चाहता हूँ। फिरौती तो ले ले, लेकिन मेरे साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा? अरे धोखा तो मैंने बड़े बड़ों के साथ नहीं किया, तेरे साथ क्या धोखा करूं। अच्छा, हाँ। 18 क्षोणी दल का पियूं मैंने भैया खून पी लिए, तो दे दे मेरी फिरौती। ले सजनों, तालियों से पांडाल गूंजना चाहिए, तालियों से। ये रागनी का निचोड़ है कति। अरे पांच पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी खाइए, पांच पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी खाइए। फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट कुढ़ाली। अरे दोरे तेरी इत चली आई, न फिरौती लई निराली। तुम छेयो के बिना कन्हैया, तुम छेयो के बिना कन्हैया, मेरा खप्पर रह जा खाली। अरे कलियुग में देख, कलियुग में भरवा दूंगा आज सबर राख पंचाली। कलियुग में भरवा दूंगा आज सबर राख पंचाली। रे कृष्ण भात जैकरन गढ़ दे, रे 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 कृष्ण भात जैकरन